रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ और बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि उन्होंने एक पहलवान को एक बार गले लगाया था पिता की तरह, बस वो उसी से असहज हो गई। इस तरह की बातें एक ऊंचे पद पर बैठा आदमी जब कहे तो क्या लगता है कि या तो उसे सही गलत में अंतर नहीं पता, मर्जी और नामर्जी में अंतर नहीं पता, या तो उसे अपने पद और रुतबे का ऐसा नशा है कि अपनी मर्जी में ही सबकी मर्जी समझता है। कैसरगंज सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से खासे खफा हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी महिला से बंद कमरे में नहीं मिले। जहां तक सवाल गले लगाने का है तो वो पहलवान ही मेडल जीतने की खुशी में मुझसे लिपट गई थी, मैं नहीं। अगर ये अपराध है तो उत्साह जताने की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। आरोपों का जवाब देते हुए ब्रिजभूषण ने कहा कि महिला पहलवान के पास मोबाइल नहीं था, वो अपने पिता से बात करने मेरे पास आई थी, मैंने उनके पिता से बात कराई और फिर गले लगा लिया। वहाँ मेरी नीयत साफ थी, मगर जब वो असहज हुई तो मैंने कहा था कि एक पिता की तरह गले लगाया है। ब्रिजभूषण ने कहा कि मैंने कभी किसी महिला पहलवान से ऐसा व्यवहार नहीं किया जो गलत हो। मेडल पाने का मतलब ये नहीं है कि कोई झूठ नहीं बोल सकता। एक ओलंपियन तो जेल में है, इससे समझा जा सकता है कि मेडल जीतने के बाद भी कोई कुछ भी कर सकता है। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने ये भी कहा कि विनेश फोगाट का आरोप है कि वो किसी देश में प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस एरिया होता है, हम वहाँ लोगों के साथ घूमते टहलते गए और मैं उनको घूर रहा था। बताइए इस बात पर क्या मुझे सरयू में कूद जाना चाहिए? आरोप तो इनके देखिए कि आरोप इनके क्या है। क्या कही आरोप है कि मैंने इनको घसीटा हो, मैं इनको कमरे में लेकर गया हो, मैंने कोई अश्लील हरकत की हो, इसका कोई ऑडियो हो या वीडियो? मात्र कहने से ये कह दो और सरयू में मैं कूद जाऊँ। जनवरी में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने जंतर मंतर पर इस लड़ाई की शुरुआत की थी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलकर उन्होंने उस वक्त अपनी मांगे रखी थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री एक पैनल बनाकर जांच करने का आश्वासन देकर चलते बने। अब जब कार्यवाही नहीं हुई तो ये पहलवान एक बार फिर से जंतर मंतर पर विरोध करने बैठ गए। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इधर कई पहलवानों ने जहां बीजेपी सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाया तो वही बीजेपी सांसद भी लगातार इन आरोपों को खारिज करते रहे। लेकिन इस हालिया बयान के बाद इतना तो साफ हो गया है कि ब्रिजभूषण भी मानते हैं कि उनके बर्ताव से महिलाएं कई बार अनकंफर्टेबल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद के खिलाफ 2 FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन WFI के प्रेसिडेंट से पूछताछ तो दूर, नोटिस तक नहीं भेजा गया है। ये वही नेता है जिन्होंने 2022 में खून करने की बात भी एक इंटरव्यू में कबूली थी, लेकिन इन पर बीजेपी क्यों खामोश है? शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने WFI चीफ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें सिक यानी बीमार और डिस्कस्टिंग यानी कि घिनौना करार दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीमार और घिनौना, वो जिस पावरफुल पोजीशन में है उसका एडवांटेज उठाकर पहलवान का शोषण कर रहे हैं जो उसके पास मदद के लिए आई। नहीं, आप किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर हग नहीं कर सकते और फिर ये नहीं कह सकते कि आपने पिता के समान उसे गले लगाया। बीजेपी पर शर्म आती है जो इस आदमी को लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका ने आगे WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर हमला किया और लिखा कि उससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि WCD मंत्री अब भी बेशर्म की तरह खामोश है। आरोपों पर हो रहे सवालों से तिलमिलाए सांसद का कहना है कि पहलवानों की मांग पर ही जांच कमेटी बनी और जांच हुई, मगर उन लोगों ने जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन पहलवानों का कहना है कि जब तक ये शख्स अपने पद पर बना रहेगा तब तक जांच सही से नहीं हो पाएगी। बीजेपी सांसद का कहना है कि अब FIR हो गई है और दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये जांच कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, पहलवान इससे संतुष्ट नहीं है। ये सारे पहलवान चाहते हैं कि उनके आरोपों की जांच के लिए गठित समिति के रिजल्ट को पब्लिक किया जाए और सिंह को पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन तक बर्खास्त किया जाए।